ओके सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, मैं एक बात बताना चाहूँगा यूट्यूब के गाइडलाइंस के बारे में. तो यूट्यूब में एक ऐसा गाइडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि वी कैन शो आवर अर्निंग टू एनी वन. तो बेसिकली इट मीन्स कि हम लोग अपना अर्निंग, अपना रेवेन्यू किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और उस पर वीडियो तो डेफिनेटली नहीं बना सकते हैं, और एल्स वो हमारा चैनल को ब्लॉक कर देगा, मोनेटाइज कैंसिल कर देगा, या फिर टेक डाउन कर देगा. आई डोंट नो, बट हम अरुणाचली मानते नहीं है ना. अगर मरगी मरगा सब कुछ खाना है, तो रेवेन्यू सेवेन्यू भी सब कुछ दिखाना है. तो आई डोंट केयर, जो होगा होगा, देखा जाएगा. एंड नाउ एंजॉय द वीडियो. हे पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. एंड आई जस्ट होप कि जितने भी लोग हैं वो सभी लोग सेफ होंगे इस वायरस से. तो हमारा आज का टॉपिक है, हाउ मच मनी डज यूट्यूब गिव यू इन 1000 व्यूज. 1000 व्यूज में यूट्यूब आपको कितना पैसा देता है? तो इससे पहले मैं बता दूं कि कितना पैसा आपको YouTube देता है 1000 व्यूज में. मैं आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो कि अगर आपको YouTube में पैसे कमाने हैं, तो आपको सबसे पहले अपना चैनल, YouTube चैनल जो है उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा. मोनेटाइज मतलब ट्रेडिंग इन योर वीडियोस, आपके वीडियोस पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बिजनेस होगा. तो इसको इनेबल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं इसे बता देता हूँ जल्दी से. तो रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके चैनल में एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स होना ही होना है. तो 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम है, उतना तो होना ही पड़ेगा. और आफ्टर दैट आपके जो चैनल है उस पर 4000 आवर्स, ठीक है, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना पड़ेगा. मान लो कि आपने एक 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया, तो वो 5 मिनट का वीडियो का आदमी लोग देखते 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 4000 व्यूज जब पहुंचेंगे, मतलब कुल मिलाकर सभी वीडियो से अगर 4000 वॉच टाइम अगर आपका आ गया, तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा. आपको उसके लिए कुछ कन्फर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ऐड आने शुरू हो जाएगा. तो ऐड आने के बाद आपका यूट्यूब का एक लेआउट, क्रिएटर स्टूडियो कहते हैं, यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, देख लीजिए. तो आप इसे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ मैं आपको जितने भी एनालिटिक्स है वो सभी सभी दिखाते हैं, मतलब वीडियो में कितना व्यूज़ आया, कितना कमाई हुआ. तो मैं आपको अपने एनालिटिक्स के हिसाब से बताना चाहूँगा कि मतलब यूट्यूब 1000 व्यूज़ में कितना पैसा देता है. और उससे पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि YouTube वीडियो का लेंथ का हिसाब से, अगर आपका 5 मिनट का वीडियो है तो आपको कम पैसे मिलेंगे, अगर आपका 10 मिनट का वीडियो है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसके बाद अगर आपका 15 मिनट का वीडियो है तो और थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे. तो समझ गया होगा आप लोग कि जैसे जैसे आपका वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पैसा भी ज़्यादा आएगा. तो ऐसे मान लो कि 5 मिनट में यूट्यूब आपका 5 मिनट में यूट्यूब आपका वीडियो पे एक एडवर्टाइजमेंट डालता है, चाहे वो हॉर्लिक्स का हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी नाइकी, लेम्बोर्गिनी का नहीं होता एडवर्टाइजमेंट, सॉरी. तो 5 मिनट में एक एडवर्टाइजमेंट डालेगा, चाहे वो कोई भी हो, फ्लिपकार्ट, हॉर्लिक्स हो, किसी वगैरह वगैरह कुछ भी. तो 10 मिनट में वो एक और ऐड डालेगा, मतलब अगर आप 5 मिनट का वीडियो अपलोड करते हो तो 5 मिनट में आपको एक व्यूज मिले, एक एडवर्टाइजमेंट आएगा. 10 मिनट में 2 एडवर्टाइजमेंट आएगा, 15 मिनट में 3, 20 मिनट में 4. तो आप ऐसे मान सकते हो, मतलब जितना ज़्यादा एडवर्टाइज आएगा उतना ज़्यादा पैसा. तो मेरा जो ये मूवी है मजबूरी, तो इसमें मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस का पूरा एनालिसिस नीचे पे आया हुआ है, ये ग्रीन साइन मतलब डॉलर साइन है. तो मजबूरी जो मेरा मूवी था, जो मैंने 5 मिनट 30 सेकेंड का बनाया था, उसमें कुल मिलाकर मुझे मिले थे 22,123 व्यूज़. तो 22,000 व्यूज़ थे मेरे उस वीडियो पे. तो 4000 लाइक्स थे, 181 डिसलाइक्स. लाइक्स, डिसलाइक, कमेंट्स डजन मैटर, ठीक है, वो आपका पैसा को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है. बात वही कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो वो किसी और को भी रेफर हो जाता है, आप डिसलाइक करते हो तो वो किसी को रेफर नहीं होगा. ऐसे ऐसे टाइप से लाइक लाइक ऐसा चलता है, लाइक से कुछ पैसा वैसा कमाई नहीं होता. तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो ये किसी और के सजेशन में भी जाएगा, तो ऐसा किस्सा है लाइक का. तो बात करते हैं व्यूज़ की. व्यूज़ मेरा आया 22,000 व्यूज़. तो 22,000 व्यूज़ में अराउंड, मान लो कि यूट्यूब ऐसा करते हैं कि सभी को एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, 70 या 60% लोग को ही एडवर्टाइजमेंट आते हैं. तो मान लो अगर 70% 60% होगा, तो अगर मेरे 10,000 व्यूज़ हैं तो 10,000 व्यूज़ में सिर्फ 60-70%, यानी कि 6,000 या 7,000 लोगों को ही मेरे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे. तो ऐसे भी नहीं है कि जो भी वीडियो खोला तो डायरेक्टली फटाक से ऐड आ जाएगा. तो 22,000 में शायद से मेरा 13-14-15,000 टाइम शायद से ऐड आया था होगा. तो उस एड में मुझे मिला, ये देखो, ये मेरा रेवेन्यू, वो वीडियो का रेवेन्यू है. तो मजबूरी जो मेरा मूवी था मजबूरी, उसमें मुझे कुल मिलाकर पूरा एस्टिमेट करके मिले $4.11. $4.11 होगा शायद से 7 4 कितना, 28, 280 रुपीज़, 300 रुपया कुछ होगा. $4.11, ठीक है. तो इतना था मेरा उस मूवी का अर्निंग.
अगर आप सबसे नीचे में देखोगे एड टाइप्स, तो वहां में आपको बताता है कि इस वीडियो में किस किस टाइप का एड्स को डिस्प्ले किया गया है। तो एड्स टाइप में दिखाते हैं कि स्किपेबल वीडियो एड्स, जो वीडियो को स्किप कर सकते हो उसे कहते हैं स्किपेबल वीडियो एप्स। और आप लोग बहुत बेशरम से हमारे हमारे जितने भी यूट्यूबर्स है सभी के वीडियो को, यू गाइस यूज टू स्किप इट डायरेक्टली, तो उससे हमारा जो पैसा जरूर मिलता है बट पैसा कम मिलता है। तो आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग बट कभी कभी अगर मूड हो, अच्छा मूड में हो, तो देख दिया करो हमारे एड्स को। एनी वेज दैट इज नॉट माई टॉपिक। तो बम्पर एड्स इज अगेन जो जो वीडियो के हल्के से नीचे पे ना, इतना कुछ लैंडस्केप में 16:19 वाला रेशियो में जो हल्का सा कुछ कुछ ऐड आता है ना, जैसे कि मोबाइल लेजेंड का, पबजी का इंस्टॉल करो बोल के, उसे कहते हैं बम्पर एड्स। उसके बाद डिस्प्ले एड्स मोस्टली गूगल पे का, गूगल तीज ये सब का आता है। जो सब्सक्रिप्शन जो बटन होता है, और हम लोग का जो चैनल का नाम होता है, उसके ठीक नीचे में जो एक बॉक्स टाइप का, बैनर टाइप का आता है, उसे कहते हैं डिस्प्ले एड। उसके बाद नॉन स्किपेबल ऐड को तो आप समझ ही होंगे, कोई कोई ऐड आते हैं ना जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन स्किपेबल एड्स। तो नॉन स्किपेबल एड्स यूजली बहुत कम आते हैं, बट नॉन स्किपेबल एड्स में पैसा ज्यादा होता है। जैसे कि आप मान लो स्किपेबल एड्स में अगर आपको 1 रुपया मिल रहा है, तो नॉन स्किपेबल एड्स में 3 रुपीज 4 रुपीज मिलेगा, तो ऐसा रहता है। तो जो भी हो, अगर अगर 1,000 व्यूज में मुझे कितने पैसे मिले, अगर वह मैं एस्टिमेट करता हूँ, तो अभी इफ़ यू गो टू कैलकुलेटर, एक सिंपल सा मैथ्स करेंगे हम निकालने के लिए कि 1,000 व्यूज़ में हमें कितना पैसा मिलता है। तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ व्यूज़ था मजबूरी शॉर्ट मूवी वीडियो में 22,123, डिवाइडेड बाय हमें कुल मिलाकर मिले थे 4.11 डॉलर। तो अभी से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 5,800। तो हमें निकालना है कि 1,000 व्यूज़ में कितना पैसा मिलता है, डिवाइडेड बाई 1,000, एंड देन वी गेट 5.38। कितना कितना आता है, तो मान लीजिए हमें 5 से 6 रुपए मिलते हैं 1,000 व्यूज़ में। हर वीडियो का ऑलमोस्ट रेंज यही रहता है, शायद किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा भी मिलता होगा। बट अगर एक बात अलग, ये बात अलग है कि इफ़ यू आर इन कैनेडा, इन अदर प्लेसेस जहाँ करेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर मेरे वीडियोस में ऐड जा रहे हैं, और उन ऐड को लोग US में, कनाडा में, अलग कंट्री इंग्लैंड में देख रहे हैं, तो उसका करेंसी का हिसाब से मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट इंडिया का रेट तो आई थिंक फिलहाल यही है, 1,000 व्यूज़ में आपको मिलेंगे 5 से 6 रुपए। ओके, तो आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर ऑल्सो आस्किंग मी कि तुम्हारा जो एक मूवी था कोरोना वायरस के ऊपर, जिसमें तुम्हें ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज़ मिला था, तो इट वॉज नॉट 4 लाख व्यूज़, इट वॉज 3,88,841 व्यूज़ मुझे टोटल मिला के मिले थे। तो इसमें तो लोग मतलब एक्चुअली दे वर आस्किंग मी कि इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिला होगा, बट दैट इज़ नॉट दी ट्रूथ। एक और मैं गाइडलाइन बता दूँ, यूट्यूब कहता है कि मतलब हम लोग गाइडलाइन को फॉलो करो, अगर नहीं तो वो पैसा को काट देता है। तो आई दिन अगर आप अपना टाइटल पे कोरोना वायरस या फिर COVID-19 ऐसा कुछ मेंशन करते हो, तो ये देखो, ये देख रहे हो COVID-19 गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द MOHFW अबाउट COVID-19, लर्न मोर, ये सब जो ये बैनर आ गया, मतलब ना, मतलब वेन एवर यू पुट कोरोना वायरस और COVID-19 इन योर टाइटल, देन यू गेट दिस मार्क, एंड दिस मार्क मीन्स यू कान्ट मोनेटाइज योर वीडियो। आपको इस वीडियो से 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो फॉर एविडेंस मैंने, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, ये देखो, ये इस वीडियो का एनालिटिस है। देखो, एस्टिमेटेड अर्निंग 0,0, ट्रांजेक्शन 0, ट्रांजेक्शन टाइप सब कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं है, बिकॉज दैट वीडियो वॉज नॉट मोनेटाइज। उसमें 1 रुपया नहीं मिला, भले ही व्यूज़ बहुत आए, उससे सब्सक्राइबर्स भी बहुत मिले, लाइक्स भी बहुत ज़्यादा आए, लेकिन आई डिडन गेट ए सिंगल पेनी फ्रॉम द एंटायर मूवी। आई टुक अराउंड इट टुक मी अराउंड 8, 9, 10, अराउंड 10 GB ऑफ इंटरनेट लगा था ये 20 मिनट का वीडियो को अपलोड करने के लिए, एंड आई गॉट इतना रुपया, बिकॉज आई डिडन फॉलो द गाइडलाइन। हमको कोरोना का जगह लिंजिंग की तरह KORONA वायरस लिखना चाहिए था, बट इनसे आई रोत कोरोना वायरस, तो उसके वजह से मेरा मोनेटाइजेशन कट गया, यूट्यूब ने मेरी लगा दी और मुझे 1 रुपया नहीं मिला। ओके, सो आई एम गोइंग अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक। तो वही था फाइनली दिस प्रूफ दैट अभी के समय में, 2020 के एरा में, इफ़ यू अपलोड ए वीडियो एंड इफ योर चैनल इज मोनेटाइज, देन आपको 1,000 व्यूज में मिलेंगे 5 से 6 रुपये। सो दैट इज द करेंसी राइट नाउ इन इंडिया। ओके, तो इफ़ यू आर ए यूट्यूब, इफ़ यू हैव ए क्रिएटर स्टूडियो, तो आपको यहाँ में दिखाएगा कि अगर आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, तो यहाँ में आपको दिखाएगा आपका एस्टिमेटेड रिव्यू है 20, मतलब यहाँ में एस्टिमेटेड रिव्यू सब किसी का अलग अलग होता है। मेरा 28 लास्ट 28 डेज में, मतलब लास्ट पिछले महीने मैंने 26.56 डॉलर कमाया,
तो वो मेरा था पिछला महीना का अर्निंग। अगर आप लोग पूछते हो ना कि एक महीना में कितना कमा लेते हो, तो ये उन लोगों के लिए है। मेरा लास्ट 28 डेज का अर्निंग था 26.56 डॉलर। तो आप 26.56 US डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए गूगल में, तो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद तो उसके बाद अगर मुझे जानना है कि मेरा लाइफ टाइम अभी तक, मतलब शुरू से लेकर अभी तक मैंने कितने पैसे कमाए हैं, तो उसके लिए मुझे व्यू मोर पे क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट माई योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू, उसके बाद इसे 28 डे से लाइफ टाइम करना पड़ेगा। तो ये है मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू। सॉरी आई कांट शेयर माई एस्टिमेटेड रेवेन्यू बिकॉज एक तो यूट्यूब भी बोलता है कि अपना रेवेन्यू किसी के साथ शेयर मत करो, डोंट मेक वीडियोस ऑन इट। बट पता नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। वो लोग बोलते हैं कि अगर आप अपना रेवेन्यू दिखाओगे तो हम आपके चैनल को टेक डाउन कर देंगे, ब्लॉक ब्लॉक कर देंगे। बट आई डोंट थिंक दैट हैपन्स, स्पेशली अरुणाचली चैनल है। हम क्या बोल रहे हैं वो समझेगा क्या नहीं, आई डोंट नो। तो एनी वेज बट स्टिल आई एम गोना शो यू, लेकिन हम नहीं दिखाने वाला है, आई एम सो सॉरी। तो स्टिल आई कॉन्ट शो यू माई रेवेन्यू बिकॉज नो, एक्चुअली आई शो यू माई रेवेन्यू। अगर इफ आई गेट 100,000 व्यूज, अगर मुझे इस वीडियो में 1 लाख व्यूज मिल जाएंगे, तो मैं पक्का कसम से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना एस्टिमेटेड रेवेन्यू, अभी तक मैंने कितने पैसे कमाए यूट्यूब में, वो जरूर दिखाऊंगा। बट दिस वीडियो हैव टू गेट 100,000 व्यूज। अगर ये वीडियो में 100,000 व्यूज आ जाते हैं, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं बता दूंगा कि मेरा एक्चुअली एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है। ओके, सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा होगा। एंड आई थिंक अगर मुझसे कुछ बोलने में अदल बदल होती रहती है, तो अगर वो हुआ हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो या दैट्स इट। आई होप आप लोगों का आइडिया पता चल गया होगा कि 1,000 व्यूज में हमें जस्ट 5 रुपये मिलते हैं। तो प्लीज़ ये कहना बंद कर दो कि यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूबर्स लाइक हम अपना कजिन एंड फ्रेंड्स का एग्जाम्पल देगा, लेंजिंग, जुमकैन, कायूम, कारा। सो प्लीज़ डोंट सी कि वी आर अर्निंग अ हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब। कहाँ, अगर बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो शायद बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट फॉर नाउ आई डोंट रियली फील कि मेरा बहुत ज़्यादा अर्निंग है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बहुत कम अर्निंग भी है। 5 रुपीज़ इज इवन अ लॉट फॉर मी। तो आई एम हैविंग ए डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग। तो या आई थिंक मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है। तो लोगों में एक्चुअली ये एक मतलब लोगों का मेंटेलिटी ऐसे है कि मतलब यूट्यूब खोल दिया, चैनल मोनेटाइज है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो दे आर अर्निंग हेल और मनी की पूरा गुची उची फ्लैक्सिंग वैक्सिंग करेगा। दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। वी आर हैविंग ए रियली डिसेंट अर्निंग। मेरा तो बहुत डिसेंट है। कोई कोई लोग जिसका सब्सक्राइबर व्यूज कम, उनका और भी कम होगा। सो या दैट्स इट। बट करेंसी इज लाइक 1,000 व्यूज पे यू विल गेट 5 to 6 रुपीज़। सो आई थिंक दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो तो गिव मी ए थम्स अप। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। एज अ सीरियल यू गाइज आर अमेजिंग। पीस।